हे बॉस गर्ल्स एंड कैट्स, 21 नवंबर 2019 के करंट अफेयर्स इस वीडियो में देख लेते हैं। अमित शाह जी ने अभी हाल फिलहाल विंटर ग्रेड डीजल जो है वो लद्दाख के लिए लॉन्च कर दिया। मतलब ये जितने भी हाई अल्टीट्यूड एरियाज हैं, लद्दाख, करगिल हो गया, हिमाचल प्रदेश के काजा और केलांग हो गए, ये सारे एरियाज में -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है विंटर्स में, और जितने भी व्हीकल्स हैं जिसमें डीजल डलता है वो जम जाता है और व्हीकल चलने लायक नहीं बचते हैं। इसलिए इन एरियाज में स्पेशल विंटर ग्रेड डीजल की जरूरत होती है। अगर हम लोग लद्दाख यूनियन टेरेटरी की बात करें तो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अभी वो राधा कृष्ण माथुर जी हैं। 370 आर्टिकल हटने के बाद या डायल्यूट होने के बाद ये लद्दाख यूटी बनी थी। नेक्स्ट जो बात है वो जो यूनाइटेड नेशंस का वोमेन विंग है उसके साथ मिलकर MHA ने, होम मिनिस्टर ने, एक एंड टू वायलेंस अगेंस्ट वोमेन एक कंपेन शुरू करा है। तो ऑरेंज द वर्ल्ड ग्लोबल कंपेन इसका नाम दिया गया है, और इसमें एक हेल्पलाइन नंबर 112 की बात करी जा रही है। मतलब 112 एक हेल्पलाइन नंबर होगा जिस पे कॉल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं, इस पे पैनिक बटन भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और इसके साथ 112 वेबसाइट्स भी होंगी अलग अलग रिस्पेक्टिव स्टेट्स की। 27 स्टेट्स यूटीज में ये कंपेन शुरू किया गया है। मतलब 112 एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज इमरजेंसी नंबर है जो अभी इंडिया में भी काम करेगा, और इस पे आप अगर किसी वुमेन के खिलाफ कोई वायलेंस होता है तो रजिस्टर कर सकते हैं। अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशंस वुमेन जो विंग है उसकी, तो ये 2 जुलाई 2010 से शुरू हुआ था, इसने काम करना शुरू किया था, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में पड़ता है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर हो सकता है वो मेघालय बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप है, एक हैनवेट्रॉप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, मतलब HNLC आप इसको शॉर्ट में याद कर रख सकते हैं। तो इसको अभी बैन कर दिया गया हमारे MHA द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा। ये जो HNLC है इसने हाल फिलहाल में डिक्लेयर कर दिया था कि जितने भी खासी और जैंतिया ट्राइब्स हैं, इन ज्योग्राफिकल लोकेशंस में रहने वाले ट्राइब्स हैं खासी और जैंतिया में, मेघालय में, उनको यूनियन जो इंडिया है यूनियन है उससे अलग करने के लिए ये सेसेशनिस्ट मूवमेंट शुरू कर रहे थे, इसलिए इनको बैन कर दिया गया। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये डील करता है इंटरनल सिक्योरिटी को, इसलिए इसमें इसी का रोल होता है। अभी आगे है जो असम गवर्नमेंट है उसने 1 तोला सोना जो दुल्हनें होंगी असम की उनको शादी पे देने की बात करी जा रही है, और अरुंधति स्कीम जो है उसमें ये दिया जाएगा। इसमें जितने भी 21 साल के लड़कों से ऊपर की शादी, 18 साल या उसके ऊपर की एज की लड़कियों से होगी उसी केस में ये दिया जाएगा। 1 तोला सोना मतलब होता है 11.66 ग्राम्स। तो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है, मतलब एनुअल जिनकी इनकम 5 लाख से कम है उसमें कोई कास्ट, क्रीड या रिलीजन नहीं देखा जाएगा, उनको ये फैसिलिटी दी जाएगी। तो स्पेशल मैरिज असम रूल्स जो है 1954 में, उसी में ये आगे अमेंडमेंट करके ये फैसिलिटी बढ़ाई गई है। तो असम गवर्नर जो है अभी हाल फिलहाल जगदीश मुखी जी हैं, और कैपिटल इसकी दिसपुर पड़ती है। अगला जो न्यूज़ है, आओ स्कूल चले एक कंपेन शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर जो डायरेक्टोरेट है ऑफ स्कूल एजुकेशन DSEJ, उसने ये कंपेन शुरू किया है, और 3 से 5 साल के बीच के जो बच्चे हैं प्री स्कूलिंग के लिए उनको स्कूल तक ले जाने का इसमें मोटिव रखा गया है। उत्तराखंड के CM ने अभी हाल फिलहाल एक वर्चुअल क्लास प्रोजेक्ट शुरू किया है। ऑल इंडिया या आपने देख भी रहे हैं, आप जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं अभी, दिस इज सॉर्ट ऑफ वर्चुअल क्लासरूम ओनली। तो जो दूर दराज के एरियाज होते हैं जहाँ पर टीचर्स की कमी होती है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, अच्छे टीचर्स का फ़ायदा उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए इस तरह की स्कीम्स, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल किया जा सकता है। उत्तराखंड के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर जो हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं अभी, तो उन्होंने इस स्कीम को शुरू किया है। इस तरह से जो अच्छे टीचर्स हैं, जो वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं, वो रिमोट एरियाज़ में स्कूल्स जो हैं उनमें बच्चों को पढ़ा पाएंगे थ्रू वर्चुअल क्लासरूम फैसिलिटीज़। तो गवर्नर जो हैं अभी इसके उत्तराखंड के, वो बेबी रानी मौर्य जी हैं। अगला जो न्यूज़ है आपका, जो बजरंग पुनिया और महंत गौरव शर्मा जी हैं उनको दुबई में एक रिवार्ड मिला है, अवार्ड मिला है। तो इंडो अरब लीडर्स समिट एंड अवार्ड 2019 दुबई में इनको मिला है। तो दुबई जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरात में पड़ती है। तो वहाँ पे जो खलीफा बिन जायद अल नहयान जी हैं अभी, कैपिटल इसका अबू धाबी में है जो UAE की कैपिटल है ना। तो करेंसी इसकी यूनाइटेड अरब एमिरात दिरहम है, दिरहम मतलब इसकी करेंसी आप याद रख सकते हैं। तो ये स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ एक न्यूज़ था। इसी तरह जो डेली मेट्रो है उसको भी 2 अवार्ड मिले हैं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस में। तो डेली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन दिए, MRC, आपने मेट्रो में सफर किया हो तो ये पढ़ा भी होगा, तो उसको 2 अवार्ड दिए गए हैं। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट है उस कैटेगरी में इनको अवार्ड मिला है। साथ ही जो ग्रीन मेट्रो प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल एंड वायबल अर्बन ट्रांसपोर्ट, उस कैटेगरी में भी इनको ये अवार्ड मिला है।
तो अभी आगे बात कर लेते हैं इस मेट्रो से जुड़ी कुछ और बातें देख लेते हैं कि जो दिल्ली मेट्रो है वो फर्स्ट सर्विसेज की दिसंबर 2002 में शुरू हुई थी। यस, और इसका जो फाउंडेशन था वो 1995 में इसका रखा गया था और 2002 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स की बात कर लेते हैं अगले न्यूज़ में जो जो करंट अफेयर है उसमें। सुधीर मित्तल जो है वो प्रेजिडेंट जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के सेलेक्ट हो गए हैं, इलेक्ट हो गए हैं। तो जिम्नास्टिक जो फेडरेशन ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और 1952 से ये काम कर रहा है। सुधीर मित्तल जो है वो एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है पंजाब कैडर के। तो इस तरह से आप ध्यान में रखें कि जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया काफ़ी पुरानी एक संस्था है इंडिया में। एग्रीमेंट्स की कुछ बात कर रहे हैं, आईसीआईसीआई लम्बार्ड पार्टनर्स विद फिनो टू ऑफर सेचेट बेस्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो आईसीआईसीआई जो है एक बैंक है और ये पार्टनर है एक फिनो पेमेंट बैंक का। तो एक तरह से नॉन लाइफ इंश्योरेंस सॉल्यूशंस का इसमें ये सुविधा प्रदान कर रहे हैं। चेयरमैन जो है फिनो पेमेंट बैंक का वो महेंद्र कुमार चौहान है। एमडी सीईओ जो फिनो पेमेंट बैंक के वो ऋषि गुप्ता जी हैं। ये जो आईसीआईसीआई लंबार्ड एंड फिनो ये जो इनका कलेबोरेशन है, इन्होंने एक डेंगू और मलेरिया से लोगों को बचाने के लिए एक पॉलिसी मतलब प्रीमियम पॉलिसी की भी इन्होंने शुरुआत करी है। तो 49 रुपीज़ में एक 10,000 रुपये का एक प्रीमियम ये दे देते हैं लोगों को और डेंगू और मलेरिया के केसेज में उनका फ्री ट्रीटमेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो डिफेंस से रिलेटेड है। लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति शर्मा को इंडियन आर्मी की तरफ से फर्स्ट फीमेल जज एडवोकेट जनरल ऑफिसर बनाया गया है। ये जो सेशल्स है उसमें ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को लीगल एक्सपर्ट एडवाइस देंगी, ओपिनियन देंगी ऑन डिफेंस एंड मिलिट्री एक्ट्स। इसका जो नेक्स्ट करंट अफेयर है, कल भी हमने इस पर बात किया था, इंडो कतर जो है ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हो रही है इस साल, इसको जायरे अल बहर मतलब रोलिंग सी का नाम दिया गया है। तो पहले इंडो कतर ये नेवी या नेवल एक्सरसाइज होगी। तो जो इंडिया में नेवल डे है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है और जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं अभी इस टाइम वो एडमिरल करमवीर सिंह हैं। नेक्स्ट जो करंट अफेयर वो इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च जो है जिसके प्रेसिडेंट नंदन एम नीलेकणी है, जिन्होंने आधार को भी आगे बढ़ाया था, आधार प्रोजेक्ट को पूरा किया था। तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसका जो फाउंडेशन था 1956 में रखा गया था। तो इन्होंने इंडिया की GDP का जो ग्रोथ है वो 4.9% फाइनेंशियल ईयर 2020 में एक तरह से स्पेकुलेट किया है। रैंक्स और रिपोर्ट्स के ऊपर अगला जो करंट अफेयर बनता है, तो इंडिया का रैंक जो है 59th आया है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में। स्विट्जरलैंड बेस्ड एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसकी रैंकिंग निकालता है। टोटल 63 कंट्रीज में 59th पोजीशन है इंडिया की, तो नीचे से टॉप मार दिया है इंडिया ने। फर्स्ट नंबर जो है उसका स्विट्जरलैंड का है, इसके बाद डेनमार्क, स्वीडन और ऑस्ट्रिया जैसे देश आते हैं। सिंगापुर 10th नंबर पर आता है। तो प्रेजिडेंट जो है IMD का वो जीन फ्रेंकोइस मैजोनी है। 1990 में ये जो IMD है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट डेवलपमेंट है, 1990 में इसको बनाया गया था और हेडक्वार्टर से स्विट्जरलैंड में है इसका। ये MBA का डिग्री भी प्रोवाइड करते हैं, लोग यहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं, इंडिया के बच्चे भी यहाँ पढ़ने जाते हैं। स्पोर्ट्स से जुड़ा अगला न्यूज है, ब्राजील ने मेक्सिको को जो अंडर 17 वर्ल्ड कप है फुटबॉल का, तो उसको उसमें मतलब ब्राजील जीत गया है, मेक्सिको को उन्होंने हरा दिया है। इंपॉर्टेंट डेज में जो आपका अफ्रीकन इंडस्ट्रियलाइजेशन डे है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। तो एक जो FCFTA है मतलब अफ्रीकन कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो वो शुरू हुआ है। इस साल का जो थीम है 2019 का थीम है अफ्रीकन कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मार्केट का, वो पोजीशनिंग अफ्रीकन इंडस्ट्री टू सप्लाई द FCFTA मार्केट। इसका इस साल का मेन एम जो है वो वर्ल्ड वाइड मीडिया का अटेंशन ग्रैब करना है टू द प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अफ्रीका। और जो लास्ट करंट अफेयर है आज का, यूनिसेफ जो है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड जो है उसने एक बुकलेट रिलीज की है, 28 पेजेस की ये बुकलेट है, फ्रॉम उत्पम टू स्प्राउटेड दाल परांठा। मतलब जो जो एक तरह से क्वालिटी डाइट है, न्यूट्रिशियस डाइट है, उसका सिंपल 20 रुपये से भी नीचे अगर आप इस तरह की फूड देंगे, स्प्राउटेड दाल और पराठा देंगे, तो जो अंडरवेट है, ओबेसिटी, एनीमिया का प्रॉब्लम्स है चिल्ड्रन में। देखो एक नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे हुआ था 2016-18 के बीच में, तो उसके अकॉर्डिंगली 35% जो चिल्ड्रन है वो मतलब 5 साल के नीचे जो 35% चिल्ड्रन है वो स्टंटर्ड हैं। स्टंटर्ड का मतलब होता है लो हाइट फॉर एज, एज के हिसाब से उनका हाइट नहीं बढ़ा है। 17% जो चिल्ड्रन है वो वास्टेड है मतलब लो वेट फॉर हाइट, हाइट तो ठीक है लेकिन वेट कम है उनका। और इसी तरह 33% जो है वो अंडर वेट है, ओवरऑल उनका वेट ही कम है सारी चीज़ों को साथ मिला के। तो ये आज के करंट अफेयर्स हैं, मिलते हैं कल कल के करंट अफेयर्स से। तो कीप इन टच, जय हिंद, थैंक यू।